Let's improve English. देखिए, अभी तक मैंने सिर्फ आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में ही बताया है, लेकिन सेंटेंसेस तो नेगेटिव भी बनाते हैं हम और इंटरोगेटिव भी बनाते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिनमें किसी बात की ना होती है। जैसे कि अभी मैंने कहा था मेरे पास कार है, अगर नहीं है तो मेरे पास कार नहीं है, उसके पास दोस्त नहीं है, इस घर में दो खिड़कियाँ नहीं है, मतलब जब नहीं आ रहा है हमारे सेंटेंस में, वो सेंटेंसेस नेगेटिव होते हैं। और इनको बनाना बहुत ईजी है, मैं आपको बताता हूँ। नेगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करेंगे डू और डज का। ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम डज का यूज़ करते हैं, और बाकी की जनता जैसे कि यू वी दे और कोई भी प्लूरल नाउन है उनके साथ हम डू का यूज़ करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल्स में देखते हैं, जैसे इसी को लेते हैं पहले। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार नहीं है, आई डोंट हैव अ कार। तो मैंने डोंट लगा दिया पहले। ये डोंट जो है डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। आई डू नॉट हैव अ कार या फिर आई डोंट हैव अ कार, आई डोंट हैव अ कार। अब देखिए इसी को बताने का मैं दूसरा तरीका भी बताता हूँ, स्टाइलिश तरीका। इसको ऐसे भी कहा जाता है, आई हैवन गॉट अ कार, आई हैवन गॉट अ कार। यानी कि अगर मैं कहूँ आई हैव अ कार तो इसका मतलब है मेरे पास एक कार है। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, आई हैव गॉट अ कार, आई हैव गॉट अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव गॉट अ कार, आई हैव अ कार, सेम। आई डोंट हैव अ कार, आई हैवन गॉट अ कार, सेम। आप समझ गए होंगे अब, तो दोनों ही तरीकों से हम इनको बोल सकते हैं। अब दूसरे सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। अब उसके मतलब मैं लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शी, शी हैज़ मैनी फ्रेंड्स। अब इसी को हम कह सकते हैं शी हैज़ गॉट मैनी फ्रेंड्स, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है शी इज़ गॉट मैनी फ्रेंड्स, शी इज़ गॉट मैनी फ्रेंड्स। तो इस तरीके से जितना हम शॉर्ट में बोलते हैं ना, उतनी हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी साउंड करती है, शी इज़ गॉट मैनी फ्रेंड्स। अब नेगेटिव जब बनाना है कि उसके कोई दोस्त नहीं है, शी हैज़न गॉट फ्रेंड्स, शी हैज़न गॉट फ्रेंड्स, यानी उसके फ्रेंड्स नहीं है। इसको सिर्फ इतना भी कह सकते हैं, शी डजंट हैव फ्रेंड्स, शी डजंट हैव फ्रेंड्स, यानी डज का यूज ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। शी डजंट हैव फ्रेंड्स, इस घर में दो दरवाजे नहीं हैं। दिस हाउस डजंट हैव टू डोर्स, दिस हाउस डजंट हैव टू डोर्स। अब डजंट का यूज हो रहा है क्योंकि दिस हाउस सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ डज आएगा, और नेगेटिव बनाना है इसलिए डजंट, डज नॉट। दिस हाउस डजंट हैव टू डोर्स। मेरे फोन में एक फ्लैश लाइट नहीं है, माय फोन डजंट हैव अ फ्लैश लाइट, माय फोन डजंट हैव अ टॉर्च। इस तरीके से हम बोल सकते हैं, जैसे कि मेरी शर्ट में पॉकेट नहीं है, माय शर्ट डजंट हैव अ पॉकेट, माय शर्ट डजंट हैव अ पॉकेट। अब डजंट का यूज आप देख रहे हैं, जब भी सिंगुलर नाउन की बात हो रही है तो डजंट का यूज हम कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सेंटेंस बनाया, आप देख सकते हैं कितनी सिंपली ये सेंटेंस बना हुआ है। दे हैव अ हाउस, यानी उनके पास एक घर है, उनके पास एक घर है। यहाँ पर ये दे है, दे के साथ हमेशा ही हैव का यूज होता है। दे हैव अ हाउस, दे की जगह पर जब सब्जेक्ट चेंज होगा, अगर मैंने बोला वी, वी के साथ भी बात सेम रहेगी, वी हैव अ हाउस, हमारे पास एक घर है। लेकिन वी की जगह पर जब शी आ जाएगा, उसके पास एक घर है, तो शी के साथ हैव नहीं बल्कि हैज आएगा, शी हैज अ हाउस, शी हैज अ हाउस। उसी तरीके से ही हैज अ हाउस, इस तरीके से आप इसका कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे अब अच्छे से। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, जब हमें क्वेश्चन बनाना हो तो हम कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ही शी इट और कोई भी नेम, इन सब के साथ हमेशा ही डज का यूज होगा, और इनके अलावा जो भी बच गए उनके साथ डू का यूज होगा। क्या बच गया इनके अलावा, यू वी दे और कोई भी प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन में कोई भी प्लूरल नाउन आ सकता है, जैसे कि प्लेयर्स, सिंगर्स, डांसर्स, कोई भी ऐसा आ सकता है। तो यू वी दे इनके साथ आएगा डू, और इन सब के साथ आता है डज। ओके, अब सेंटेंसेस देखते हैं कैसे होगा। देखिए मैंने सेंटेंस बनाया है, डू यू हैव अ कार, क्या तुम्हारे पास एक कार है, डू यू हैव अ कार। इसी को बनाने का दूसरा तरीका देखिए क्या हो सकता है। दूसरे तरीके से हम सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं, हैव यू गॉट अ कार, हैव यू गॉट अ कार, हैव यू गॉट अ कार, डू यू हैव अ कार, या फिर हैव यू गॉट अ कार।
दोनों का ही मतलब है कि आपके पास एक कार है। यहां पर अब कार की जगह पर कोई भी चीज आ सकती है। अभी हम कार के बारे में पूछ रहे हैं, अब हम कुछ भी बोल सकते हैं कि आपके पास एक टीवी है, डू यू हैव अ टीवी, डू यू हैव अ टीवी, क्या आपके पास एक फ्रेंड है, आपका कोई दोस्त है, डू यू हैव अ फ्रेंड, क्या आपके पास एक पेन है, डू यू हैव अ पेन, क्या आपके पास ब्लैक पेन है, डू यू हैव अ ब्लैक पेन, क्या आपके पास एक सेल फोन है, डू यू हैव अ सेल फोन, इस तरीके से क्या आपके पास, क्या आपके पास, क्या आपके पास पैसे हैं, डू यू हैव मनी, डू यू हैव मनी। अब जब मनी बोलेंगे तो आ नहीं आएगा क्योंकि मनी काउंटेबल नहीं होती है, हम सिर्फ बोलेंगे डू यू हैव मनी। उसी तरीके से डू यू हैव की जगह हम हैव यू गॉट बोल सकते हैं, ये बहुत स्टाइलिश तरीका है बोलने का, सेम बात को बोलने का। अब यहाँ पे हमेशा ही हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, यू, यू के साथ हमेशा डू आता है जब भी हमें क्वेश्चन बनाना होता है तो। और यहाँ पर हैव आ रहा है, दोनों ही तरीके हैं एक ही बात को कहने की कि क्या आपके पास एक कार है, डू यू हैव अ कार, या फिर हैव यू गॉट अ कार। अब देखिए इसको चेंज करके देखते हैं, अगर यू की जगह पर मुझे किसी और से पूछना है, जैसे मुझे आकाश के बारे में पूछना है कि आकाश के पास कार है, तो ये डू चेंज होके बन जाएगा डज, डज आकाश हैव अ कार, आगे सेम, डज आकाश हैव अ कार, कि आकाश के पास क्या कार है एक, डज आकाश हैव अ कार। आकाश की जगह पर निशा आ गई, क्या निशा के पास नोटबुक है, डज निशा हैव अ नोटबुक, डज निशा हैव अ नोटबुक, क्या निशा के पास नोटबुक है। यानी कि जब यहाँ पर यू की जगह पर अगर यहाँ पर निशा, आकाश या कोई भी सिंगुलर नाउन आएगा तो उसके साथ हमेशा डज आएगा यहाँ पर, नहीं तो अगर यू है तो यू के साथ डू आएगा। वी, दे और कोई भी प्लूरल नाउन है उसके साथ हमेशा ही डू आता है जब हम क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए कुछ और सेंटेंसेस मैं आपके सामने बनाता हूँ ताकि आपको और अच्छा आइडिया लग सके। बैग, यहाँ पर क्या है, डू यू हैव अ पेंसिल इन योर बैग, कि क्या आपके बैग में पेंसिल है, यहाँ पर आना चाहिए क्वेश्चन मार्क क्योंकि हम कुछ पूछ रहे हैं। डू यू हैव अ पेंसिल इन योर बैग, क्या आपके बैग में एक पेंसिल है, तो यहाँ पर भी यू आ रहा है और यू के साथ हमेशा आता है डू, आप ये समझ गए होंगे। डू यू हैव अ पेंसिल इन योर बैग, आप क्या आपके फोन में बैलेंस है, डू यू हैव बैलेंस इन योर फोन, डू यू हैव बैलेंस इन योर फोन, इस तरीके से, इस तरीके से हम हैव और हैज का यूज करते हैं। अब मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि हैज और हैव का यूज कैसे करते हैं, फिर भी कोई अगर डाउट्स हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम समझते हैं।